नमस्कार, माइंड फिट चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप लोगों को मैं पॉजिटिव थिंकिंग के 3 सिद्धांत बताऊँगा। इन सिद्धांतों को आप कृपया करके लिख लें, लिख के आप तकिए के नीचे रख लें, रोज़ सुबह उठ के पढ़ें और उसका पालन करें, उन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में उनको अपनाएं और फिर स्वयं देखिए कि जीवन आपका किस तरह बदलता है। पहली बात तो यह है कि जब मैं अपनी लाइफ की ओर मुड़ कर देखता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या था, यू नो, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड एंड माई फादर लाइक अनफॉर्चुनेटली ही कुड नेवर हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ यू नो बिल्डिंग द करियर, या करियर कौन कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, क्या करना है लाइफ में। वो जो पेरेंट्स की ओर सपोर्ट मिलता है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट इट, यू नो, बट आई डोंट ब्लेम इट। मुझे लगता है कि कई चीज़ें हमारे साथ जो हमें लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रही हैं, लेकिन डीप डाउन वो आपको कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं, यू नो। तो आप किसी भी चीज़ के लिए आपके माइंड में से प्री कंसीव्ड कुछ नहीं रहना चाहिए। तो जब मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूँ, सो व्हाट वेयर एवर आई एम टुडे आई एम अ हैप्पी बीइंग। एक ऐसे मटेरियलिस्टिक सेंस में नहीं बोल सकते कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, और मैं मटेरियलिस्टिक सक्सेस को सक्सेस मानता भी नहीं हूँ। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, इफ़ यू आर नॉट लिविंग अ ब्लिसफुल लाइफ, इफ़ यू आर नॉट वेटिंग फॉर टुमोरो टू कम, इतना जीवन में उत्साह भरा हुआ है कि आप अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यार सुबह कब हो और नया दिन कब शुरू हो। तो अगर आपके जीवन में ये नहीं है तो आपके पास करोड़ों खरबों रुपया हो सकता है, आप दुनिया के सबसे बड़े बंगलों में रह सकते हैं, सबसे कीमती मकान में रह सकते हैं, आपके पास दुनिया की सारी सुविधाएँ हो सकती हैं, लेकिन उस जीवन को आई विल नेवर वॉन्ट दैट काइंड ऑफ लाइफ फॉर माई सेल्फ। सो बिकॉज सक्सेसफुल लाइफ का मतलब है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ब्लिसफुल, इन अ ब्लिसफुल स्टेट, लिटरली यू आर फीलिंग हैप्पी एंड यू आर लिविंग इन द मोमेंट, आप उस क्षण में जी रहे हो। तो जब मैं मुड़ के देखता हूँ अपने जीवन में तो कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्या था जबकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी वट केप्ट मी गोइंग, आगे मैं कैसे चलता चला गया। तो एक ही बात समझ में आती है कि मैंने कैसी भी सिचुएशन थी, कैसी भी, मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, मेरी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव थी, मैंने हमेशा अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहा, जैसी वो है उससे अच्छा बनाना चाहा, और हमेशा जो चीज़ सोची, जो चीज़ पाना चाहा, उसके बाद मैं उस चीज़ के बारे में लगातार सोचता था। तो पहला सिद्धांत क्या है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का, कि यू नीड टू थिंक रिपीटेडली अबाउट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचिए। जब आप लगातार सोचते हैं तो लगातार सोचने से क्या होता है कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। कैसे, क्यों, इसके पीछे क्या कोई साइंस है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अवचेतन मस्तिष्क के बारे में, मन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कैसे वो आप जो बातें अवचेतन मन तक पहुँचा देते हैं, अवचेतन मन उसको हकीकत में बदलता है। ये बातें ये बहुत बहुत बार कही गई है, फिल्मों में भी ये इन बातों को ये बातें आई है। मैं कई बार अपने कई पुराने पहले के वीडियोज में वो बात कह चुका हूँ, बड़े पॉपुलर तरीके से वो बात कही गई है, क्योंकि शाहरुख खान के मुंह से वो बात निकलती है कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपको सफलता दिलाने में आपकी साजिश में शामिल हो जाती है। मतलब बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में आप लगातार सोचते हो तो सोचने से चीज़ें शुरू होती हैं। आज अगर इस पूरी दुनिया को आप देखो, इस दुनिया में जो कुछ भी है, जैसी भी इमारतें हैं, साइंस जहाँ तक पहुँचा है, हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, सेटेलाइट्स, एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग, हमारे सोचने का नतीजा है। जिन लोगों ने उन चीज़ों को क्रिएट किया, उन लोगों ने उनके बारे में लगातार सोचा। राइट ब्रदर्स, जिन लोगों ने हवाई जहाज बनाया, दे केप्ट थिंकिंग एक्सपेरिमेंट, 7-8 साल की उम्र से एक्सपेरिमेंट करने शुरू हो गए थे, सोचते रहे कि यार आदमी उड़ सकता है, आदमी उड़ सकता है, क्यों नहीं उड़ सकता, आदमी हम उड़ सकता है, एंड
kept, you know, repeatedly they thought about it. उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट किए. अल्टीमेटली टुडे वी नो, उस वक्त वो एक ऐसी कल्पना थी कि लगभग असंभव काम था. तो असंभव काम को संभव करने का क्या तरीका है कि आप उसके बारे में, जिसके बारे में रिपीटेडली बार बार सोच रहे हैं, कैसा भी काम हो, वो काम, वो चीज़ आपके जीवन की हकीकत बन जाती है. सो एनीथिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू नीड टू थिंक अबाउट इट रिपीटेडली, बार बार उसके बारे में सोचते हैं. ठीक है, अगर आप सपोज करो कि कोई गलत चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हैं, अब इस ये सिद्धांत तो सिद्धांत है, उसमें ये नहीं बताते कि अगर आप पॉजिटिव चीज के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, अगर आप नेगेटिव चीज के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव चीज होगी. लोग ऐसे कई, यू नो, आजकल अखबारों में बहुत खबरें पढ़ने को मिलती रहती. अभी दो दिन पहले ही एक लड़के ने टीवी की एक्ट्रेस पर अटैक किया, यू नो, और बच गई वो. लेकिन वो बंदे क्यों किया अटैक, क्योंकि वो पिछले स्टॉक कर रहा था वो, तो वो उसके बारे में सोचता रहा. रिपीटेड थिंकिंग. तो रिपीटेड थिंकिंग से क्या होता है, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो हकीकत में होता है. इफ यू थिंक अबाउट हार्मिंग समबडी, यू नो, जैसे कि इस लड़के ने सोचा, तो अल्टीमेटली नाउ ही इज गोइंग टू बी इंजर्ड, उसका लाइफ तो स्पॉइल हो गया. तो अगर ये तो नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हजारों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कि पॉजिटिव लोगों ने सोचा और बार बार सोचा और उसे हासिल कर लिया. इतने उदाहरण हैं कि, और उसके, जब मैं उन लोगों के बारे में, जब मैं उनकी कहानियाँ, सक्सेस की कहानियाँ सुनता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एक लेटेस्ट आप लोगों ने भी उसके बारे में सुना होगा कि सनी नाम से एक, यू नो, वो किसी सोशल मीडिया में देख रहा था कि वो, उसने नुसरत फ़तेह अली खान का गाना गाया, मेरे ख्याल से स्टार इंडियन आइडल या किसी में आया था वो. तो वो एक कि जूते साफ करने वाला लड़का, बहुत ही गरीब घर का, उसकी माँ चावल बेचती है, बट वो गाने सुन के गाने की प्रैक्टिस करता रहा. और जब उसने गाना गाया तो ऐसा लगा कि जैसे कि उसने नुसरत साहब से भी अच्छा गा दिया. तो वो चीज़ें उसने अपने भीतर, ये आप सोचिए कि जनरली जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी ऐसा गा नहीं पाते. तो लगभग असंभव था वैसा गाना, लेकिन उसने रिपीटेड थिंकिंग के थ्रू, उसने बार बार, जब भी वो अपने घर में बैठ के रियाज करता रहा होगा, तो बार बार वो इस चीज़ को सोचता रहा होगा कि कैसे मैं एक दिन दुनिया के सामने अपने गाने को पेश करूँगा, कैसे मैं दुनिया के सामने, कैसे लोग मेरी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे. वो यही उसके लिए ईंधन का काम, यानी यही इसी थिंकिंग ने उसके लिए फ्यूल का काम किया, और वो गुमनाम जिंदगी जीता रहा सालों तक. और फिर एक दिन जब उसको मौका मिला और हो ही गया. जनरली आप जो चीज़ के बारे में रिपीटेड सोचते रहते हैं, उस चीज़ को दुनिया के सामने लाने की भी नेचर कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेता है. जनरली अदरवाइज नहीं आती वो चीज़ सामने. तो पहला सिद्धांत रिपीटेड थिंकिंग है. दूसरा जो सिद्धांत है कि आप वट एवर यू विल फील, राइट, आप फीलिंग के, इमोशन के लेवल पे जो भी महसूस करेंगे आपके जीवन में वैसा ही होगा. सो इफ यू टेंड टू लिव अ लाइफ चेयरफुली, खुश होते हो आप, हंसते रहते हो, अच्छे से बात करते हो, जनरली यू आर हैप्पी, तो आपके जीवन में खुशियाँ देने वाली घटनाएँ घटेंगी. यू नो, ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप और मुस्कुरा सको और हंसो, बिकॉज वो आपका नेचर बन जाएगा, बिकॉज बार बार आप वही करते हो. तो जो लोग आपने देखा हो खुश मिजाज लोग होते हैं, हंसते रहते हैं, यू नो, इमोशनली दे आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड. हैं, आप इमोशनली कैसा फील करते हो? वो लोग जो हैं हमेशा सक्सेस उनको खोजती है, यू नो, सफलताएं जो हैं उनको ढूंढती हैं कि वो ऐसे लोग मिले तो वो उनके साथ चिपक जाए. तो इतनी पावर है इमोशनली. आप जो सोचते हैं इसका साइंस भी है.
इमोशनली आप जो सोचते हैं, जो इमोशन आपके भीतर है, वही इमोशन आपके चारों ओर क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो वो इमोशन की, वो इमोशन वैसे ही इमोशन को खींचता है अपनी, तो जब वो खींचेगा तो उस तरह की जो घटनाएं रहेंगी, अगर आप खुश रहते हैं, जनरली एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है आपका, एंड यू आर स्माइलिंग एंड हैप्पी बीइंग, तो जिन चीज़ों की वजह से उस तरह की हैप्पीनेस बाहर निकलती है, वो चीज़ें, वो घटनाएं, वैसे लोग आपके जीवन में आते जाएंगे। तो सेकंड सिद्धांत क्या है कि हमेशा आप जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है, जिन तस्वीरों को आप देखते हैं, वट एवर यू इमेजिन, जो आप कल्पनाएं करते हैं, वो ही आपके जीवन की हकीकत बनता है। सो आप विजुअली अगर आप ये देखें, सपोज करो, जो कि मैं करता हूँ, मैं रोज रात को सोने से पहले विजुअलाइज जरूर करता हूँ, मैं जो देखता हूँ कि किस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, किस तरह से मेरे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता जा रहा है, किस तरह से मैं फिजिकली और फिट हो रहा हूँ, मेंटली मैं और स्ट्रांग होता जा रहा हूँ, किस तरह से स्पिरिचुअली आई एम ऑलवेज फीलिंग दैट ब्लिस। तो लगातार ऐसी तस्वीरों को मैं विजुलाइज करता हूँ, और वो चीज़ें, वो तस्वीरें जो हैं वो हकीकत में कन्वर्ट होती जाती हैं। मतलब पिछले 10 साल में कितना कुछ है जो कि मेरे जीवन में आने से पहले कहाँ आया, उसको मैंने विजुलाइज पहले किया, यू नो। तो इसका, इसमें क्या है कि अगर आप विजुलाइज करने लग जाएं, तो विजुलाइज करने से आप वो चीज़ों को, जिस चीज़ को आप विजुलाइज करेंगे, जितना स्ट्रांगली विजुलाइज करेंगे, जिसकी जितनी स्ट्रांगली कल्पना करेंगे, वो चीज़ आपके जीवन में शामिल होती है। मैं ये इस सिद्धांत के आधार पर कई नौजवान लोगों को मैंने ये बात बताई, उनको ऐसा करने को बोला, उन नौजवानों के जीवन में ऑलरेडी ऐसी ऐसी घटनाएँ घट गई हैं, ये लोग चमत्कार की तरह घटनाएं घटती हैं, लिटरली, मतलब आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो गया, मतलब लेकिन ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज आपने उन चीज़ों को, उन तस्वीरों को देखा, वो तस्वीरें आपके जेहन में, आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई। अब आपका सबकॉन्शियस जो है, आपका जो सबकॉन्शियस है, अवचेतन है, उसका कनेक्शन आपसे नहीं है, सिर्फ आपसे नहीं है, वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप किसकी संतान हैं, आप जीवन में आने से पहले कहाँ थे, आप इसी ब्रह्मांड का हिस्सा थे। यू नो, ऊर्जा, एनर्जी को ना कोई प्रोड्यूस कर सकता है, ना कोई खत्म कर सकता है। एनर्जी जो है वो एक बार आ गई एनर्जी, तो वो अपना रूप बदलती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होती। तो आप जहाँ भी थे इसी ब्रह्मांड का हिस्सा थे, किसी भी रूप में रहे हो, और इवन जीवन जब ये देह बुरी हो जाएगी, जब ये खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आपकी चेतना कहाँ जाएगी, वो उस महाचेतना के से एक हो जाएगी। इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि डरने की क्या बात है, आप अपनी इच्छा से तो आए नहीं संसार में, आ गए हो, आपने इतना मनुष्य की देह पाई, आप इतना काम किया, अब आप चले जाओगे, उसी जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, इतने लोग रोज जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, तो डरने की क्या बात है। तो मृत्यु को लेकर कोई डर नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो अवचेतन है वो ब्रह्मांड से जुड़ा, ठीक है, तो इसलिए अवचेतन में जो तस्वीरें चली जाती हैं वो एक तरह से ब्रह्मांड में कैप्चर हो जाती है। एंड यूनिवर्स तो अल्टीमेट पावरफुल चीज़ है, यूनिवर्स से बड़ी चीज़ क्या है, सब कुछ तो उसी का है पूरा। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड यू गो मैड, कि अगर आप सोचोगे ये सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि कॉन्स्टेंटली, यू नो, आर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो उसके बारे में सोच के कई बार मैं सोचता हूँ तो मिलता है, मतलब वो सोचने की लिमिट के बाहर जाके मैं थोड़ा अजीब फीलिंग हो जाती है, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। सो योर सबकॉन्शियस इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज वेरी पावरफुल, वो आपकी उन तस्वीरों को, उन आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का काम करता है। तो ये तीन सिद्धांत हैं, अगर इन तीन सिद्धांतों को आपने जीवन में अपनाया, तो कोई वजह नहीं है कि आप एक ब्लिसफुल, हैप्पी, सक्सेसफुल,
आप हर चीज का आनंद लेते हुए जीवन जी सकते हैं। अच्छे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेंगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप फिजिकली बहुत फिट रहेंगे, मेंटली यू विल बी अ हैप्पी सोल। तो ये कोई वजह नहीं है, जो पॉजिटिविटी है, आई मीन जो आप पॉजिटिव रहने की वजह से ही उतना ही पर्याप्त है आपके लिए इस जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऐसे जो इतने सारे उदाहरण हैं कि लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लाइफ को बदल दिया। मुंबई में स्लम एरिया में दो भाई रहते थे, तो एक भाई जो है उनके फादर जो है ही वॉज अ ड्रंकर्ड, यू नो, बहुत शराब पीते थे, और माता जी जो थी वो उनका बहुत जो वो छोटे से तो ही ध्यान दे गया था। तो जो छोटा भाई था वो स्लम में रहते हुए भी ही यूज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर कि मैं तो जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। रहते स्लम में थे, बड़ा भाई जो था वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाता था, बिकॉज उसको लगता था कि पिताजी ऐसे हैं, हम लोग इतने गरीब हैं, कुछ है नहीं, हमारे जीवन का क्या हुआ। यू नो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो छोटा वाला भाई था उसने स्लम से पढ़ाई करके पढ़ाई में मेहनत की, स्कॉलरशिप लिया उसने, ही वेंट टू यूएस में पढ़ाई की, एंड एट द एज ऑफ 30 ईयर्स ही बिकेम सीईओ ऑफ अ कंपनी। अभी कुछ समय पहले वो मुंबई में अपने बेटे को लेके वो उसी स्कूल गया, अपना पुराना घर दिखाया, एक कमरे वाला घर दिखाया उसने। तो उसकी लाइफ को उस स्लम से निकाल के और उन स्थितियों से निकाल के जहाँ पर कि जनरली कोई भी सरेंडर कर देता है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए के पीछे एक चीज़ जो जिम्मेदार थी वो थी पॉजिटिव थिंकिंग। उसने कभी हार नहीं मानी, उसने हमेशा पॉजिटिव सोचा, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के बारे में सोचा। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, कॉन्स्टेंटली एक हैप्पी स्टेट में रहेंगे, खुश रहेंगे, यू नो पॉजिटिविटी बिखेरेंगे अपने चारों तरफ, किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। रिपीटेडली आपकी थिंकिंग, पहला सिद्धांत क्या है, रिपीटेड थिंकिंग आपकी होनी चाहिए अबाउट दी गुड थिंग्स इन लाइफ। लाइफ को जब अच्छा सोचोगे लाइफ के बारे में तो ही अच्छी घटनाएं घटेंगी, अच्छी फीलिंग रहनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू इमेजिन कि अपने भविष्य जो कल्पनाएं हैं वो आपकी सुखद कल्पनाएं होनी चाहिए, अच्छी कल्पनाएं होनी चाहिए, उसमें बहुत खुशबू भरा जीवन होना चाहिए, बहुत आनंद से भरा हुआ जीवन की तस्वीरें देखें। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको सब कुछ दे सकती है, एंड कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है इसमें। आई डोंट थिंक, सिर्फ टिल्ट ऑफ माइंड चाहिए, ओनली टिल्ट ऑफ माइंड। तो वो टिल्ट ऑफ माइंड के साथ जिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड जस्ट सी कि कैसे आप इस जीवन को, यू नो, जस्ट थोड़ा सा अगर आप लोग योगा का अभ्यास करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो आपको इस काम में हेल्प मिलेगी। बिकॉज जनरली क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, यू नो, अभी मेरी बातें सुन के तो बहुत अच्छा लगा, बट एक घंटे के बाद आप भूल जाओगे इसको, कैसे वो याद रहे। तो वो जो अवेयरनेस रहती है ना चीज़ों को लेकर, वो अवेयरनेस तब आती है जब आपका माइंड बहुत शांत रहता है, माइंड किसी चीज़ को पकड़ता नहीं है, माइंड आपका इंडिपेंडेंट रहता है, माइंड इज ऑलवेज विथ यू, यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड यू, यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ योर थॉट्स। दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट आया वही आपकी लाल बत्ती जल जानी चाहिए, नो ये गलत है, ऐसे नहीं सोच सकता मैं, ये नेगेटिव थिंकिंग नॉट अलाउड, मेरे जीवन में इसकी कोई जगह नहीं है। आई हैव टू थिंक पॉजिटिवली, आई हैव टू मेक माई फ्यूचर बेटर, आई हैव टू मेक माई लाइफ बेटर, आई हैव टू मेक माई यू नो फैमिलीज लाइफ बेटर। जब कॉन्स्टेंटली आप ये सोच रहे हैं और हमेशा अवेयर हैं, तो कोई नेगेटिव थॉट तो कोई ही नहीं आने देंगे आप। तो जब नेगेटिव थॉट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ये आजमाई हुई चीज़ है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तो उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा और हज़ारों उदाहरण हैं, मैं अगले एक वीडियो में दो तीन लोगों के आपको उदाहरण भी लेके आऊँगा। जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग ने ऐसी ऐसी जगह से लोगों को बाहर निकाला कि यू नो जनरली हमको लगता है कि उन स्थितियों में रह के कोई भी आदमी टूट के बिखर जाएगा, लेकिन वो बने, न सिर्फ वो बिखरे नहीं बल्कि उन्होंने मिसाल कायम की। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो मिसाल, वो कभी भी हारता नहीं है, सिर्फ उसको सब कुछ भी लूट जाए
सब कुछ भी बर्बाद हो जाए, वो जमीन पे मतलब एकदम से जमीन पे आ जाए, तो भी अगर उसके पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की पावर है, तो वो दोबारा से अपने को उठा सकता है। बहुत लोगों ने ऐसा किया है। सो आई रियली विश कि आप सभी लोग भी पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जीवन में का हिस्सा बनाएं, ऐसा हिस्सा बनाएं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग चाहे कैसी भी स्थितियाँ आ जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग कभी ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।